मैं तो कह रही हूँ कि अभी तो गांव लेवल पे जम्मू में भी जहाँ इन्होंने दिए हैं वहाँ भी मिनिस्टरों ने और जो अपने अपने इन्फ्लुएंस लोग थे उन्होंने अपने अपने इलाके में जहाँ एक तहसील देनी थी वहाँ चार दे दी, जहाँ दो नयाबत देनी थी वहाँ आठ दी है। ये तो ओवरऑल जो हर जगह जब हम देखते हैं हर लेवल पे जो देखते हैं इन्होंने इसमें इस किस्म का डिस्क्रिमिनेट किया है कि कोई सेटिस्फाइड नहीं है। बीजेपी हैज ऑफ्टन इट स्टैंड ऑन आर्टिकल 370 सेइंग दैट इफ इट इज गुड फॉर द पीपल ऑफ J&K वी हैव नो प्रॉब्लम। सो यू ऑल्सो सेड दैट एनी पार्टी यू वर्क्स फॉर द सोल्यूशन ऑफ द कश्मीर प्रॉब्लम यू हैप्पी विद दैट। डज दैट मीन दैट यू आर ऑल्सो हिंटिंग दैट इफ इट इज बीजेपी हु कम्स फॉरवर्ड फॉर काइंड ऑफ सेटलमेंट ऑफ द कश्मीर इशू यू विल गो विद हिम? देखिए हम कोई हिंट विंट करने वाली जमातों में से नहीं है। हमने पहले भी बोला आज भी बोलते वी विल नॉट हैव एनी ट्रक विद बीजेपी। बट एज फार एज जैसे वाजपेयी जी के साथ तो हम अलायंस पार्टनर नहीं थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उमर साहब वहां मिनिस्टर थे, मगर मिनिस्टर होने के बावजूद भी उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नहीं लिया बल्कि ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन भी रद्दी की टोकरी में फेंका। हमारी बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं थी, पर बॉर्डर पे सीज फायर की बात हो, मुजफ्फराबाद रोड की बात हो या कोई और बात हो, वी वर एबल टू परसुएट वेदर इट वॉज वाजपेयी और वेदर इट वॉज यूपीए। तो अगले सरकार यूपीए की होगी या बीजेपी की होगी, जम्मू कश्मीर के हवाले से जो हमें बात मनवानी होगी वो हम अलायंस के बगैर मनवाएंगे, हमें उसमें किसी जमात के साथ अपने आप को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाउ डू यू सी एनसी पैट्रन्स नेम इन केजरीवाल्स लिस्ट? वेल आई डोंट थिंक इट कम्स एज अ कोई हमारे लिए तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। आपको पता है जम्मू कश्मीर क्रिकेट स्कैम, उसमें जो फेक चेक किसके उसके सिग्नेचर जो निकाले गए, जो पैसा निकाला गया उस पर किसके सिग्नेचर हैं? और अगर आप देखेंगे कि जो जमा जिसके 22 साल तक जो जेल में रहे हो, जिनके पास कुछ नहीं हो, 75 से लेके आज तक, अगर आप इस फैमिली की, इस पार्टी के अलग अलग मिनिस्टर्स की प्रॉपर्टी देखेंगे तो मुझे लगता है कि शायद सारे जम्मू कश्मीर के जो बिजनेसमैन एक तरफ और ये फैमिली दूसरी तरफ, चाहे लंदन हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं हो, जो इन्होंने प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी कहाँ से आई? माई फादर हैज बीन द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, ही हैज बीन द टूरिज्म मिनिस्टर, ही हैज बीन राइट हैंड मैन ऑफ मिसेज इंदिरा गांधी, मोस्ट पावरफुल पर्सन। हमारे पास तो ऐसी चीजें नहीं है जो ये कहाँ से आए। तो ये तो सीधे लगता है कि ये जो उनका 24 केजरीवाल ने बताया है कि 24 नंबर में हो, तो मुझे लगता है कोई इट्स नॉट अ वेरी सरप्राइज फॉर अस, इट इज नॉट अ सरप्राइज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए।